सभी से प्यार करते हैं, सभी का मान रखते हैं, हम अपने शहर में अपनी अलग पहचान रखते हैं, वहीं गीता, वहीं बाइबिल, वहीं कुरान रखते हैं, हम अपने घर के कमरे में एक हिंदुस्तान रखते हैं। दोस्तों, जब से विपिन रावत जी और उनके साथियों की शहादत हुई है, देश में लगातार श्रद्धांजलियों का कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कालूकुआं स्थित नटराज संगीत महाविद्यालय में बीती शाम एक मुशायरे और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों और शायरों ने देश के CDS विपिन रावत और उनके साथियों को अपनी कविताओं और गजलों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। जब कभी भी ऐसे हादसे हमारे नूर होते हैं, जब कभी भी ऐसे हादसे हमारे नूर होते हैं, पूरे देश के लोगों के दिल चकनाचूर होते हैं। बांदा जनपद के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए कवियों, शायरों और कवित्रियों ने श्रद्धांजलि देने के साथ साथ देश प्रेम और सौहार्द पर भी अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बांदा जनपद के जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एजाज अहमद खान साहब मौजूद रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर के वरिष्ठ कवि डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद दीक्षित ललित जी ने की। कार्यक्रम का संचालन और कार्यक्रम का आयोजन बांदा के युवा कवि अनुराग विश्वकर्मा ने किया। विद्या ज्ञान कला सब तुमसे पाए हम, माँ सरस्वती तेरा वंदन करने आए हम, माँ सरस्वती तेरा वंदन करने आए हम। कि मैं बताऊं कि जन्नत कहाँ है, कि जिसके घर में मेरा नाम अनुराग विश्वकर्मा है और मैं अपने बांदा शहर का छोटा सा कवि हूँ। आप लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया है, किस तरह का कार्यक्रम था ये? आज हम और मेरे और बड़े भाई नज़र आलम साहब और अंजू दमेली जी, डॉक्टर इजहार खालिद साहब, हम सब लोगों ने मिलकर एक राष्ट्रीय एकता पर आधारित एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हमने अपने CDS विपिन जनरल रावत विपिन जी के लिए श्रद्धांजलि और उनके जो साथ शहीद हुए उनके लिए एक कविता और शायरी का कार्यक्रम रखा, जिससे उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो है बाहर के बहुत सारे हमारे प्रयागराज और जो है बाराबंकी, फिरोज़ाबाद, इटावा, सब जगह से होकर बहुत सारे बड़े कवि शायर आए, जिन्होंने अपने अपने कलाम से सौहार्द और देशभक्ति की रचना प्रस्तुत की और हमारे सभी शहीदों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी कविताओं से सबको श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये कार्यक्रम नटराज संगीत महाविद्यालय बांदा में आयोजित किया गया। इस प्रकार हम सब लोगों ने मिल करके एक छोटा सा कार्यक्रम अपने शहीदों के लिए, अपने देश के उन जवानों के लिए आयोजित किया, जिसमें सभी एक शायरों कवियों ने अपने अपने कलाम प्रस्तुत किए। एक पिता अपने परिवार के वास्ते, एक पिता अपने परिवार के वास्ते अपनी खुशियों का बलिदान देता। आपकी अध्यक्षता में एक कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन हुआ है, किस तरह का कार्यक्रम था और क्या आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे ऐसे कार्यक्रमों पर? ये कार्यक्रम बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व का और सांस्कृतिक कई दृष्टिकोणों से
मुझे लगता है कि बांदा जनपद में एक ओर तो जहां हम जनरल बिपिन रावत की गहरी शोक संवेदनाओं को व्यक्त करके राष्ट्रीय एकता और उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारतीय एकता, सांप्रदायिक एकता और हिंदू मुस्लिम एकता, इन सारे राष्ट्रीय ज्वलंत प्रश्नों को लेकर के काम कर रहे थे। एक नई पीढ़ी कविता की, साहित्यकारों की, कवियों की और शायरों की जो तैयार की जानी है, उस दृष्टिकोण से भी ये अंकुरण बहुत ही आवश्यक था। बांदा जनपद के आसपास के सारे जनपदों के प्रतिभाशाली कवि और शायर, नई पीढ़ी के कलमकार जो अपनी नई जिंदगी को, अपने अनुभवों को देश प्रेम की भावभूमि से जोड़ करके व्यक्त कर रहे थे, मुझे लगता है, मुझे तो इस तरह के कार्यक्रमों की अध्यक्षता का सौभाग्य मिला। मैं नज़र आलम पत्रकार को, उसके संयोजक को बार बार बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर पृष्ठभूमि को बांदा जनपद के लिए उपलब्ध कराया। कि खूटे से अपने बांध के जिसको गया था मैं, समझा? खूटे से अपने बांध के जिसको गया था मैं, जब वो गई तो साथ में खूटा भी ले गई। खूटे से अपने बांध के जिसको गया था मैं, जब वो गई तो साथ में भूटा भी ले गई। और मालूम ये हुआ कि वो बकरी खराब थी, खुद तो गई पड़ोस का बकरा भी ले गई। मर कर भी कुछ नाम अमर यूं करना है, दुश्मन के आगे हमको नहीं डरना है। वो जान तिरंगे पर मेरी कुर्बान सदा, मुस्लिम की साई। बड़े बुजुर्गों से सुना हम सब है भाई भाई, सत्य संग प्रेयर पूजा के, सत्य संग प्रेयर पूजा के, संग संग होती अजान है अपना हिंदुस्तान यही है। कवि सम्मेलन और मुशायरे में आप मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, पूरा कार्यक्रम आपने सुना, किस तरह से इस कार्यक्रम को देखते हैं और क्या तासुरात आपके हैं, क्या इसमें कहना चाहिए? आज का ये मुशायरा और कवि सम्मेलन एकता एकजहती पर, राष्ट्रीय एकता पर और उनके सेना अध्यक्ष और उनके साथ शहीदों पर के बारे में जो भी सब 16 हजरातों ने ये उनके लिए श्रद्धांजलि पेश की, उनके उस पे खराज अकीदत पेश की, ये बहुत अच्छी बात है। और ये टॉपिक इस एकता पे उनकी लिंक जोड़ करके बहुत अच्छा लगा कि बड़े अच्छे टाइम पर और बड़े सही वक्त पर उनके लिए ये चीज़ होना चाहिए था। इस बात के लिए जो कमेटी, मुशायरे की कमेटी है, और उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, और जनाब आलम साहब ने जो इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया, बेहतरीन ढंग से किया, और हमारे सारे 16 हजरात जितने भी बच्चे लड़के अभी नौजवान हैं, और जिस ढंग से अकीदत पेश की है और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि आगे चल के भी वो पढ़ेंगे। इससे जो है उर्दू अदब और हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन मिलता है, और लोगों में एक तरह से नई चीज़ की जागरूकता आती है। और मैं चाहूँगा कि मुस्तकबिल में भी इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन होता रहे, और ताकि हम लोग इसका लुत्फ़ उठाते रहें। हमारे दर्द को देखो, भगा
कोई तेरे पास में घूमे उससे भी दिल जलता है, कोई तेरे पास में घूमे उससे भी दिल जलता है, कोई तुझको सोच के झूमे उससे भी दिल जलता है। और लड़कों को तो रोक लिया है, इनको कैसे रोकूंगा, झुमके तेरे गाल को चूमे उससे भी दिल जलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप लोग यहाँ पे आए खास करके हमारे जी आए, मैंने कहा कई बार, और नई पीढ़ी ने जो यहाँ से अपना हुनर दिखाया, मैं बहुत आशावान हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बांदा के अलावा बाहर से भी सब लोग आए, दूर दूर से आए, बाराबंकी झांसी से आए, मैं सबका बहुत शुक्र अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि नजर आलम साहब और अनुराग साहब इसी तरह फिर से हम लोगों को यहाँ जमा करेंगे, आमंत्रित करेंगे, ताकि ये परंपरा आगे भी बढ़ती रहे।